हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप ऑल 007। तो फिर मैं आप लोगों के सामने आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में मैं दिखाया था कि DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को कैसे ITR पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करते हैं, बट आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में दिखाऊंगा वही डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को कैसे, मतलब उसका जो पिन और पासवर्ड होता है उसको रीसेट और रीजनरेट कैसे करते हैं, मतलब पासवर्ड और पिन को कैसे चेंज करते हैं। तो इस वीडियो का टॉपिक वही है। तो आप लोग अगर मेरे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन ज़्यादा लाते हैं। और आप लोग चैनल में कमेंट्स करके बोलिए कि कौन सा वीडियो किस टॉपिक्स में बनाना चाहिए नेक्स्ट वीडियो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि दूसरे को भी काम में आए। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, देखिए जो DSC जो है उसका, मतलब जिस DSC का पिन को चेंज करना चाहते हैं, मतलब पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं, उसको इंसर्ट कर लीजिए अपना कंप्यूटर में। और उसके बाद एकदम देखिए नीचे जो, मतलब सबसे एकदम डाउन बार जो, मतलब बॉटम में जो बार दिख रहा है, तो उसके एकदम राइट साइड में जाइए। तो वो वहाँ पर जाके देखिए हिडन बार जहाँ पर, वहाँ पर देखिए आप जो इंसर्ट किया हुआ आपका जो सर्टिफिकेट यहाँ पर शो कर रहा है, तो उसमें आप डबल क्लिक कर दीजिए। करने के बाद देखिए कुछ ऐसे इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे देखिए इसमें आपको दिखाई देगा चेंज यूज़र पिन बोल के, तो यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद देखिए वहाँ पे ओल्ड पिन नंबर जो है वो आपको देने के लिए बोल के ओल्ड पिन नंबर आप दे दीजिए। तो ओल्ड पिन नंबर के देने के बाद आपको जो पिन चेंज करना है नया पिन नंबर आप दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद इसको कन्फर्म करने के लिए फिर आपको पिन नंबर देना पड़ेगा। तो देने के बाद इसको आप ओके कर दीजिए। देखिए ओके करने के बाद देखिए चेंजिंग यूज़र पिन सक्सेस रेट बोल के दिखा रहा है। तो आप जो पिन को चेंज किया है वो सक्सेस रेट यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसमें ओके क्लिक कर दीजिए। मतलब आपका जो पिन और पासवर्ड आप जो चेंज करना चाहते हैं, मतलब रीसेट करना जो चाहते थे, वो आपका यहाँ पे हो गया। तो ऐसे करके आप लोगों को ये DSC का पिन और पासवर्ड को रीसेट आप लोग कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। फिर बोल रहा हूँ आप लोगों को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि दूसरे को भी काम में आए।